Hey, what's up traders? Welcome back to the channel. तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपने मुझसे पूछे, ठीक है। आपने पूछा था प्रीवियस वीडियोस पर क्या भैया हमें अभी एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, और उन कॉइन्स के बारे में आप बताइए जिनमें लगभग 2-3 हफ्तों के बाद बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। वो कॉइन्स हमें लगभग 20 से लेकर 40% तक का इंक्रीमेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में चीजें डिस्कस करी थी अभी तक तो वो सारी एक्यूरेटी हुई है और अभी तक देख सकते हो आप। लास्ट वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई बीटीसी जो है एक अच्छा करेक्शन लेने के लिए अपना जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 47,000 का यहां पर जरूर से आ सकता है, या फिर अगर ये जो लेवल है 47,000 का ये फिर ब्रेकडाउन होता है तो जो इसकी प्राइस है वापस से आपको 46 के लेवल पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं है, ठीक है। मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड का एक लो होता है कि हायर हाई के साथ हायर लो लगने का, ठीक है। तो अभी क्या हो सकता है कि 20 ईएमए पर एक सपोर्ट बना के हमें पुलबैक देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहां से अगर एक पुलबैक यहां पर सपोर्ट बनता है तो यहां से पुलबैक आएगा, और अगर 47 के आसपास आती है तो इस वाले लेवल पर सपोर्ट लेकर वापस से एक पुलबैक हमें देखने को मिलेगा और नया हायर हाई हमें बनता हुआ फिर दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गई बीटीसी के बारे में बात। अब हम बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिनके नेक्स्ट अभी कुछ हफ्तों में इवेंट्स आने वाले हैं और उनमें एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। सबसे पहले कॉइन के बारे में हम बात करते हैं जो कि है कार्डानो। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है, ठीक है, और उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूं चैनल पर जाना है, और ये जो 2 कॉइन अगस्त ये जो मैंने वीडियो बनाया था इसको आपको जरूर से देखना है। और इसके ऊपर वाला जो वीडियो है वो आईसीपी के ऊपर है और काफी अच्छी मैंने इसमें नॉलेज आपको दी है, तो डेफिनेटली आपको ये दोनों वीडियो को देखना है। कार्डानो का बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तब जल्दी आने वाला है। वैसे अभी तक की इसकी जो डेट थी कॉइन मार्केट कैल पर, ठीक है, 30 सितंबर की थी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई जो चार्ल्स होस्किंसन है उन्होंने अपने लाइव में बोला है कि जितनी जल्दी होगा सितंबर में वो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च कर देंगे, ठीक है। मैं लाइव उनका देखता हूं इसलिए मैंने आपको पहले कहा था, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कॉइन मार्केट कैल पर अगर आप जाओगे और चेक करोगे तो इवेंट में ये 12 सितंबर की डेट बता रहा है, जैसा आप देख सकते हो अलोंजा हार्ड फोक, ठीक है। तो ये 12 सितंबर का इनका एक इवेंट है, इवेंट का जरूर से ध्यान रखना है। इसके बाद में 13 अक्टूबर का भी इवेंट है वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट, तो जरूर से आपको इन इवेंट्स का ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग फिर जो कार्डानो है उसमें ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ये आपको कुछ हफ्तों के अंदर ही आगे आने वाले लगभग 2 हफ्तों के अंदर या फिर 2.5 हफ्तों के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, तो कार्डानो पे आपको स्पेशली ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी बोला था। दूसरे कॉइन के ऊपर हम बात करते हैं जो कि है WRX वजीरेक्स, ठीक है। अब वजीरेक्स में क्यों एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, इसके पीछे का रीजन ये है कि आपको एक अपडेट देखने को मिली थी कि जल्द ही वजीरेक्स अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनने वाला है, ठीक है। अभी तक तो ये सेंट्रलाइज था, ठीक है, जो इनके हेड थे वही वजीरेक्स को कंट्रोल करते थे, ठीक है, और इनके जो नेटिव टोकन है इस पर भी उनका डायरेक्टली कंट्रोल है। और अभी जो अपडेट निकल के आई थी रिसेंटली कि जो वजीरेक्स एक्सचेंज है वो डिसेंट्रलाइज होने वाला है पूरी तरीके से, तो इसके बाद में भी एक डेफिनेटली हमें फर्क WRX कॉइन में देखने को मिलेगा। और वैसे भी जो वजीरेक्स है वो इंडिया का लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वजीरेक्स, ठीक है, यूजर्स के मामले में। तो इसमें भी बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है आगे आने वाले कुछ हफ्तों में, ठीक है। तीसरे कॉइन के बारे में हम बात करते हैं मैटिक, जो कि टेंशन फ्री कॉइन है। 19 जुलाई याद रखना, मैंने आपको उस समय कहा था ना 19 जुलाई को, जो लोग मिस कर दिए होंगे मैंने आपको बोला था यार 19 जुलाई को, ठीक है, कि भाई बाय कर लो बाय कर लो, 47 रुपये पे आपको ये मिल रहा था, 46-47 के आसपास। तब बहुत से लोगों ने शायद मेरे कहने पर एंट्री ले ली होगी और ऑलरेडी उन्होंने एंट्री ले रखी थी, फिर भी इन्वेस्ट करा होगा बाय द डिप प्लान के अकॉर्डिंग मैटिक में। और अभी आप देख सकते हो 115 रुपये तक की इसकी प्राइस हमें देखने को मिली है। अभी जैसे ही इसमें हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, अभी 8-10% के बीच में ये इंक्रीमेंट दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही बीटीसी की प्राइस आपको वापस से करेक्शन लेती हुई दिखेगी, वैसे जैसे ही डाउन देखने को मिलेगी पॉलीगोन में आपको वापस से इन्वेस्टमेंट कर देना है, ठीक है, री एंट्री लेनी है। और एक न्यूज अपडेट वैसे भी निकल के आई थी, अगर मैंने आपको बताया हो 2 दिन पहले, कि जो पॉलीगोन नेटवर्क है उन्होंने रिसेंटली हर्मेज नेटवर्क के साथ कोलेबरेशन किया है, कोलेबरेशन नहीं बेसिकली मर्ज हो चुके हैं वो हर्मेज नेटवर्क के साथ में, ठीक है। और ये जो डील है लगभग 250 मिलियन में हुई थी जैसा आप देख सकते हो, और पहली डील थी जैसा आप देख सकते हो, दिस इज द फर्स्ट कंप्लीट मर्जर ऑफ 1 ब्लॉकचेन नेटवर्क इनटू अनदर। ये तो इस टाइप की पहली डील है जो कि एक
ब्लॉकचेन नेटवर्क दूसरे के साथ मर्ज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक काफी बुलिश अपडेट थी। अब कुछ लोग मुझे सोलाना के बारे में पूछ रहे हैं कि भैया सोलाना के क्या करना है। सोलाना जो है भाई अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है, और नॉट ओनली सोलाना, सोलाना के अलावा सोलाना के इकोसिस्टम में जितने भी आपको कॉइंस देखने को मिलते हैं, लूना हो चाहे रेडियल हो, ये सभी आपको एक अच्छा खासा पंप भी दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, सोलाना में तो लगभग आपको 30-32% के बीच में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा होगा। इसके अलावा जो इनके इकोसिस्टम में आता है ल्यूना, उसमें भी काफी ज्यादा हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, लगभग 28-30% के बीच में ये अभी आपको ग्रोथ दिखा रहा है। तो अभी मैं आपको सिर्फ इसके बारे में इतना सही कहना चाहूंगा कि यार अभी सही समय नहीं है इसमें इन्वेस्ट करने का, बिकॉज ये काफी ज्यादा अभी उठ चुका है, जैसा आप देख सकते हो 37-40%। ठीक है, हो सकता है थोड़ी देर बाद आपको ये 42-43% देखने को मिले, लेकिन फिर से मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि भाई इसको थोड़ा सा डाउन होने दीजिए, अभी सही एंट्री का टाइम नहीं है, काफी ज्यादा इसने पंप दिखा दिया है। ठीक है, अगर हम इसके सिर्फ वन डे के चार्ट पर ही देखें, ठीक है, वन डे के चार्ट पर आप जैसे ही जाएंगे यहां से कहां प्राइस चल गई है। ठीक है, तो अभी एंट्री का सही समय नहीं है। और बाय द डिप प्लान में जब मैंने आपको तीन फर्स्ट कॉइन सजेस्ट किए थे, सोलाना, मैटिक और कार्डानो, उसमें सोलाना का भी नाम था। ठीक है, तो यार सोलाना को आपने बाय किया होगा तो काफी लगभग 2x से भी ज्यादा प्रॉफिट में अभी तक आप हो चुके होंगे। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बता दिया कार्डानो, कार्डानो के बाद आता है वजीरेक्स, वजीरेक्स के बाद आता है अपना मैटिक। ठीक है, मैटिक के बाद में सोलाना में अभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा इसको डाउन होने दीजिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारा कॉइन है वो है डॉज कॉइन। ठीक है, डॉज कॉइन के बारे में मैंने आपको एक वीडियो अपडेट दे दी थी, इस वाले वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर से जाके देखना। ठीक है, मैंने इसमें आपको बताया है कि कौन कौन से अभी इवेंट्स आने वाले हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो अपडेट्स थे डॉज कॉइन से रिलेटेड, वो मैंने सभी अपडेट्स इसमें बता दी थी। और जब ये 0.30 के आसपास ट्रेड कर रहा था, मैंने मना किया था ना आपको। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि वापस से ये एक करेक्शन की तरफ जा रहा है, और 0.20 EMA का जरूर से ध्यान रखना है शॉर्ट टर्म में अगर आप कर रहे हो। और ये जो 0.44 का जो एक लेवल है, इसको वहां से रिजेक्शन मिलने के चांसेस भी है अगर बिटकॉइन की प्राइस सिर्फ थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट दिखाती है। ठीक है, हालांकि अगर बड़ा इंक्रीमेंट दिखाती है तब तो ये जो लेवल है इसके भी ब्रेकआउट होने के डेफिनेटली चांसेस है, तो उसके ही अकॉर्डिंग आप ट्रेड करना। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो कॉइन्स बताए उन पर तीखी नजरें जमा के रखना, बिकॉज ये जो है आगे आने वाले कुछ एक दो हफ्ते में बड़ा मूवमेंट आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, और अभी जो ओवरऑल मार्केट है वो थोड़ा बहुत उठा हुआ है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा उठ चुका है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता हो तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक करा करो, लाइक नहीं करते। और एक चीज और, अगर मेरे नाम से आपको कोई भी कमेंट सेक्शन में कभी भी आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे, कोई भी टेलीग्राम लिंक दे, या किसी भी तरीके से आपको कॉन्टेक्ट करे और बोले कि भाई आपको मैं BTC इतने करवा दूंगा, या जो भी आपको प्लान बता रहे हो उनके चक्कर में नहीं आना है। ठीक है, और अभी रिसेंटली आप देख सकते हो 25 रुपए के ऊपर प्राइस चल गई, तो ये सब कुछ आप वैसे भी देख लोगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा हो तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक करा करो, लाइक नहीं करते यार, लाइक बहुत कम आ रहे हैं आजकल। ठीक है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो। तो जल्द ही मिलते हैं नई अपडेट के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।